हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फाइन आर्ट क्लास। टुडेज टॉपिक इज डिस्क्रिप्शन ऑफ पेंटिंग राजा अनिरुद्ध सिंह हीरा। तो जो आज की पेंटिंग है हमारी राजा अनिरुद्ध सिंह हीरा, जो कि राजस्थानी स्कूल की पेंटिंग है, तो आज की क्लास में हम करेंगे राजा अनिरुद्ध सिंह हीरा पेंटिंग का वैल्यू पॉइंट, सब्जेक्ट मैटर एंड डिस्क्रिप्शन। सो लेट्स स्टार्ट। सो स्टूडेंट्स, एज यू कैन सी, दिस इज़ द पेंटिंग ऑफ राजा अनिरुद्ध सिंह हीरा। तो इसमें आप देख सकते हैं कि राजा अनिरुद्ध सिंह हीरा को दिखाया गया है, जो कि वाइट हॉर्स पर यहाँ पे बैठे हुए दिखाए गए हैं, जो कि एक रनिंग हॉर्स पर बैठे हुए हैं। और इसके जो बैकग्राउंड में कलर यूज़ किया गया है, डार्क ब्लू एंड ब्लैक कलर का यहाँ पे जो है बैकग्राउंड दिखाया गया है, और जो हॉर्स है वो वाइट कलर का है, और जो इसकी डेकोरेशन जो यूज़ की गई है, यानी कि कलर, उसमें रेड कलर का रेड यूज़ किया गया है। तो आप देख सकते हैं काफ़ी ब्यूटीफुल ये पेंटिंग है, जिस पर मुगल इन्फ्लुएंस यहाँ पे दिखाई देता है। सो अब हम देखेंगे इसके वैल्यू पॉइंट, सब्जेक्ट मैटर एंड डिस्क्रिप्शन। फर्स्टली वी विल सी इट्स प्रेजेंटेशन पॉइंट, यानी कि वैल्यू पॉइंट। नेम राजा अनिरुद्ध सिंह हीरा, आर्टिस्ट उत्कल राम, मीडियम टेम्परा वाटर कलर ऑन पेपर, पीरियड अर्ली 18th century AD, स्कूल बूंदी, यानी कि जो किस सब स्कूल की पेंटिंग है ये, तो बूंदी, जैसे कि राजस्थान स्कूल के कई सारे सब स्कूल हैं, मेवाड़, जोधपुर, जयपुर, बीकानेर, बूंदी, तो उसमें से जो ये पेंटिंग है ये है बूंदी सब स्कूल की, जो कि एक राजस्थानी पेंटिंग है। एंड कर्टसी द नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली। तो इस तरह से ये इसके वैल्यू पॉइंट होते हैं, नेम, आर्टिस्ट, मीडियम, पीरियड, स्कूल, कर्टसी। तो ये वैल्यू पॉइंट हैं जो आपको ये मतलब लर्न कर लेने हैं। एंड नाउ वी विल सी इट्स सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर, दिस आर्ट वर्क इज पोर्ट्रेट ऑफ ब्रेवरी। द प्रिंस राजा अनिरुद्ध सिंह हीरा इज सिटिंग ऑन द बैक ऑफ ए रनिंग हॉर्स हु इज मेकिंग ए पावर शो। तो इसमें क्या है, राजा अनिरुद्ध सिंह हीरा को एक घोड़े पे बैठा हुआ दिखाया गया है। ये जो पेंटिंग है ये ब्रेवरी की, इसमें ब्रेवरी दिखाई गई है, और जो प्रिंस राजा अनिरुद्ध सिंह हीरा हैं वो रनिंग हॉर्स पे यहाँ पे बैठे हुए दिखाए गए हैं, जो कि पावर शो करता है हॉर्स, ठीक है। तो ये इसका सब्जेक्ट मैटर है, यानी कि राजा अनिरुद्ध सिंह हीरा जो है वो हॉर्स के बैक पर बैठे हुए हैं, और देखिए हॉर्स जो है वो वाइट कलर का है, और ये जो पेंटिंग है इसमें ब्रेवरी दिखाई गई है। तो अब देखते हैं इसका सब्जेक्ट, यानी कि डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में क्या है, दिस राजपूत मिनिएचर फ्रॉम बूंदी स्कूल ऑफ आर्ट इन इट इज़ इन डेकोरेटिव मुगल स्टाइल। ये तो ये जो राजपूत मिनिएचर पेंटिंग है ये बूंदी सब स्कूल की पेंटिंग है, जो कि एक राजस्थानी पेंटिंग है, यानी कि उसका जो सब स्कूल है, जैसे कि राजस्थानी स्कूल के सब स्कूल हैं जोधपुर, जयपुर, बीकानेर, मेवाड़, बूंदी, तो वहाँ से ये, यानी कि ये बूंदी सब स्कूल की पेंटिंग है। राजपूत, देखिए कि इसको राजपूत मिनिएचर पेंटिंग क्यों बोला गया है, क्योंकि राजस्थान में जो थे उस टाइम, यानी कि जो राजस्थान में लोग थे, जो किंग थे, वहाँ राजपूत किंग रहते थे, और उनके टाइम पीरियड में जितनी भी पेंटिंग्स बनाई गई हैं उनको राजपूत पेंटिंग बोलते हैं। तो इसीलिए ये जो पेंटिंग है ये राजपूत मिनिएचर पेंटिंग है, जो बूंदी स्कूल की है, ठीक है, और डेकोरेटिव मुगल स्टाइल, और इसको जो डेकोरेशन की गई है इस पेंटिंग की, तो वो मुगल स्टाइल के, इसमें आप देख भी सकते हैं, जैसे कि, तो देखिए इसमें आप देख सकते हैं ये जो है एक पेंटिंग, ये राजस्थानी स्कूल की पेंटिंग है, जो कि इसका सब स्कूल है बूंदी, तो इसमें क्या है मुगल इन्फ्लुएंस यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देखते आप सब देख सकते हैं, जैसे कि इसमें कॉस्ट्यूम है वो मुगल स्टाइल से रिलेटेड है, तो इस तरह से इसमें मुगल इन्फ्लुएंस दिखाई देता है, डेकोरेटिव मुगल स्टाइल। द प्रिंस अनिरुद्ध सिंह हीरा इज सिटेड ऑन द बैक ऑफ फास्ट रनिंग वाइट हॉर्स। प्रिंस राजा, यानी कि प्रिंस जो है अनिरुद्ध सिंह हीरा, वो एक जो है हॉर्स की, रनिंग हॉर्स की पीठ पर यहाँ बैठे हुए दिखाए गए हैं, जो कि वाइट कलर का हॉर्स है। देखिए आप में इसमें देख सकते हैं आप कि ये जो हॉर्स है ये वाइट कलर का है, और ये रनिंग हॉर्स है, और इसके ऊपर जो बैठे हुए दिखाए गए हैं वो राजा अनिरुद्ध सिंह हीरा है, तो वो जो हॉर्स है वो रनिंग पोजिशन में यहाँ पर दिखाया गया है। होल्डिंग द हॉर्सेस रेंस इन हिज लेफ्ट हैंड, यानी कि देखिए जो राजा अनिरुद्ध सिंह हीरा हैं उन्होंने अपने लेफ्ट हैंड से जो हॉर्स की रेंस हैं, जो इसकी जो रस्सियाँ होती हैं उसमें, उसको इन्होंने पकड़ा हुआ है अपने लेफ्ट हैंड से। इसमें आप देख सकते हैं कि कैसे उन्होंने रेंस को पकड़ा हुआ है।
ही इज़ होल्डिंग ए वाइट फ्लावर इन हीज राइट हैंड। देखिए जो उन्होंने क्या है, उन्होंने अपने राइट हैंड में एक वाइट फ्लावर को पकड़ा हुआ है क्लोज टू हिज चेस्ट, यानी कि जो उनके चेस्ट के पास दिखाया गया है तो उसमें उन्होंने वाइट कलर का फ्लावर पकड़ा हुआ है। द ड्रेस ऑफ प्रिंस इज ऑफ ट्रांसपेरेंट वाइट लाइट ऑरेंज कॉफी ब्राउन कलर एंड ऑरेंज पाजामा। अगर इसमें हम जो है पेंटिंग में राजा अनिरुद्ध सिंह हीरा की जो पेंटिंग है, अगर इसमें कलर स्कीम के यानी कि जो उनकी ट्रांसपेरेंट गारमेंट्स की अगर बात करें तो द ड्रेस ऑफ प्रिंस इज ट्रांसपेरेंट वाइट। जो यहाँ पे किंग की ड्रेस दिखाई गई है, राजा अनिरुद्ध सिंह हीरा की जो ड्रेस दिखाई गई है वो ट्रांसपेरेंट वाइट कलर में यहाँ पे दिखाई गई है, क्योंकि आप देख सकते हैं जो उन्होंने नीचे पायजामा पहना हुआ है तो वो भी थोड़ा सा इसमें कलर उसमें हल्का सा इसमें वाइट कलर में से वो दिखाई दे रहा है। तो इससे पता चलता है कि जो वाइट कलर यूज़ किया गया है वो ट्रांसपेरेंट फॉर्म में यहाँ पे यूज़ किया गया है, लाइट ऑरेंज कॉफ़ी ब्राउन कलर एंड ऑरेंज पायजामा। तो इसमें लाइट ऑरेंज कॉफ़ी ब्राउन कलर का इन्होंने क्या है पायजामा यहाँ पर पहना हुआ है। द फेस इज़ द किंग इज शोन इन प्रोफाइल। तो आप देख सकते हैं कि जो किंग का जो फेस दिखाया गया है वो प्रोफाइल फेस है। प्रोफाइल फेस क्या होता है, यानी कि जो एक चश्म चेहरा, मोस्टली यहाँ पे जितनी भी जो पेंटिंग्स बनाई गई हैं राजस्थानी स्कूल की, तो सभी पेंटिंग्स में जो है मोस्टली जो है प्रोफाइल फेस दिखाए गए हैं, यानी कि एक चश्म चेहरा। प्रोफाइल फेस का मतलब है जो एक साइड का फेस उसमें दिखाई देता है, सिंगल आइज उसमें दिखाई देती है, जिसको हम बोलते हैं एक चश्म चेहरा, यानी कि प्रोफाइल फेस। द बैकग्राउंड इज़ पेंटेड इन डीप ब्लू एंड ब्लैक कलर। तो जैसे हम बैकग्राउंड की बात करें तो बैकग्राउंड में कैसा कलर यूज़ किया गया है, डीप ब्लू एंड ब्लैक कलर को यहाँ पे बैकग्राउंड में यूज़ किया गया है, जिसमें कि आप देख सकते हैं पेंटिंग में कितने अच्छे तरीके से यहाँ पे कलर को मिक्स करके ब्लू एंड ब्लैक कलर से यहाँ पे बैकग्राउंड बनाया गया है। द इंटीरियर कंपोजिशन इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंस एंड हिज रनिंग हॉर्स। तो जो कंपोजिशन है प्रिंस की और उनके रनिंग हॉर्स की, वो मतलब कितनी अच्छे से कंपोज किया गया है उस सीन को आप इसमें देख सकते हैं। फिगर इज़ एक चश्म सिंगल आइज। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि जो काफ़ी सारी पेंटिंग्स हैं जिसमें क्या है प्रोफाइल फेस बनाए गए हैं, यानी कि सिंगल आइज उनकी दिखाई दे रही हैं और साइड के फेस ही उनके दिखाई दे रहे हैं, तो इसी को हम बोल सकते हैं सिंगल आइज फेस, यानी कि क्या होता है एक चश्म चेहरा। ठीक है। टू फ्रंट लेग्स ऑफ हॉर्स आर अपलिफ्टेड एंड इट इज़ बैलेंसिंग ऑन इट्स हाइंड लेग्स ओनली। यानी कि आप देख सकते हैं जो हॉर्स के जो आगे के पैर इसमें दिखाए गए हैं वो ऊपर को उठे हुए दिखाए गए हैं, वो ऐसा लग रहा है कि वो इस मोमेंट में है कि वो आगे के पैर यानी कि रखने ही वाला है, तो वो क्या कर रहा है मतलब वो यहाँ पे रनिंग दिखाया गया है ना, तो रनिंग हॉर्स है तो उसने बड़े अच्छे तरीके से इसको पेंट किया आर्टिस्ट ने, और इसने जो है हॉर्स ने अपने पीछे के पैरों से अपनी पूरी बॉडी को कैसे बैलेंस किया हुआ है, तो ये इसमें बखूबी दिखाया है आर्टिस्ट ने। प्रिंस कैप एंड ड्रेस आर वेल डेकोरेटेड। प्रिंस की देख सकते हैं आप ड्रेस काफ़ी वेल डेकोरेटेड यहाँ पे दिखाई गई है। डेकोरेशन की अगर बात करें तो काफ़ी सारी डेकोरेशन इसमें दिखाई गई है जो कि रेड कलर से मोस्टली यहाँ पे दिखाई गई है। इसमें आप देख भी सकते हैं प्रिंस कैप एंड ड्रेस आर वेल डेकोरेटेड, यानी कि जो इनकी कैप है, जो इन्होंने एक टर्बन टाइप जो लगाया हुआ है सिर पे अपने जो कैप लगाई हुई है, वो भी काफ़ी यहाँ पे डेकोरेटेड दिखाई गई है। ट्रांसपेरेंट लाइट कॉफी कलर एंड ऑरेंज इज़ यूज्ड इन हिज ड्रेस। और इनकी जो ड्रेस बनाई गई है, मैंने अभी बताया था आपको जो इनकी ड्रेस बनाई गई है वो ट्रांसपेरेंट वाइट कलर में यहाँ पे ड्रेस को दिखाया गया है, और कॉफ़ी कलर एंड ऑरेंज इज़ यूज्ड इन ड्रेस, और कॉफ़ी कलर ऑरेंज कलर को भी यहाँ पे ड्रेस में यूज़ किया गया है। द टेल ऑफ हॉर्स शोन द फास्ट स्पीड ऑन द रनिंग हॉर्स। और देखते हैं जैसे कि फास्ट स्पीड में ये रनिंग हॉर्स यहाँ पे दिखाया गया है, तो उनकी जो टेल है वो भी बिल्कुल ऐसी लग रही है कि जैसे वो हवा में उड़ती हुई दिखाई दे रही हो, और वो जो उनकी जो टेल है वो बिल्कुल उसके जो बाल हैं वो हवा में बिल्कुल इस तरह से फ्लो कर रही हैं जैसे वो बिल्कुल रियलिस्टिक टेल हो, और मतलब वो किस तरह से उड़ती हुई हवा में दिखाई गई है, क्योंकि वो रनिंग हॉर्स है तो वो हवा में डेफिनेटली उड़ेगी, तो इसी तरीके से आर्टिस्ट ने उसको पेंट किया है। तो हम कह सकते हैं कि आर्टिस्ट ने इसमें हर एक डिटेल को परफेक्टली बनाया है, कोई भी चीज़ इसमें इग्नोर नहीं की गई है, और आर्टिस्ट ने बहुत ध्यान रखा हुआ है हर एक मोमेंट का। और देखिए जैसे अगर इसकी डेकोरेशन की बात करें तो जो मोस्टली जितनी भी इसमें डेकोरेशन की गई है उसके लिए क्या है
जो कलर यूज़ किया गया है इसमें, जो रेड कलर का यूज़ किया गया है, देखिए आप देख सकते हैं जो किंग की जो तलवार पकड़ी हुई है, यानी कि जो तलवार है इनके पास, उसकी जो म्यान है वो भी क्या है, यहाँ पे रेड कलर की है, रेड कलर की बनाई गई। और जो हॉर्स ने क्या है, हॉर्स की जो डेकोरेशन है, यानी कि उसने जो कपड़ा जो डाला हुआ है हॉर्स के ऊपर, उसकी भी डेकोरेशन रेड कलर से दिखाई गई है। और जो किंग की पगड़ी बनाई गई है और उसके ऑर्नामेंट्स वगैरह जो दिखाए गए हैं, वो भी यहाँ पे रेड कलर से दिखाए गए हैं। तो इस तरह से रेड कलर का काफ़ी अच्छा यूज़ किया गया है। और वाइट कलर को देखिए, हॉर्स वाइट कलर का है, और जो राजा की जो ड्रेस है वो ट्रांसपेरेंट वाइट कलर की यहाँ पे दिखाई गई। तो इस तरह से पेंटिंग बिल्कुल परफेक्टली बनाई गई है। और इसमें एक बात और है, यानी कि जो हॉर्स दिखाया गया है, इसमें जो हॉर्स की जो फुल बॉडी है उसके अकॉर्डिंग हॉर्स का जो फेस है वो काफ़ी यहाँ पे छोटा दिखाया गया है, यानी कि उसकी ह्यूजनेस को दिखाया गया, उसकी विशालता को दिखाया गया है, ताकि क्या है, उसके फेस को ना देख करके उसकी विशालता को देखे और उसकी ब्रेवरी को देखे। तो इसीलिए आर्टिस्ट ने यहाँ पे बॉडी को ज़्यादा बड़ा दिखाया है और फेस को छोटा दिखाया है, क्योंकि इसमें ब्रेवरी को दिखाया गया। और देख सकते हैं आप, इसमें बैकग्राउंड में डीप कलर यानी कि डार्क कलर ब्लैक एंड ब्लू का यूज़ किया गया है। तो पेंटिंग जो है, पेंटिंग में हॉर्स एंड किंग बिल्कुल ये उभर कर दिखाई दे रहे हैं और बिल्कुल परफेक्टली यहाँ पे सेंटर में इसको कंपोज किया गया है। तो इस तरीके से उत्कल राम आर्टिस्ट ने पेंटिंग को परफेक्टली बनाया है। तो इसके जो आपको प्रेजेंटेशन पॉइंट इसके बिल्कुल अच्छे से लर्न कर लेने हैं, क्योंकि जो डिस्क्रिप्शन है वो आपको समझ के अच्छे से पता चल ही जाएगा पेंटिंग को देख के। लेकिन जो इसके जो वैल्यू पॉइंट है, नेम, आर्टिस्ट, पीरियड, मीडियम, स्कूल, कर्टेसी, ये आपको लर्न करने होंगे कि कौन सा इसका आर्टिस्ट है, किस मीडियम में बनाई गई है, कौन से पीरियड की और किस स्कूल की, और कर्टेसी कहाँ पर। तो ये सब आपको अच्छे से लर्न कर लेने हैं, आपकी पेंटिंग जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो इस तरीके से हमारी इस पेंटिंग का, यानी कि राजा अनिरुद्ध सिंह हीरा पेंटिंग का प्रेजेंटेशन पॉइंट, सब्जेक्ट मैटर एंड डिस्क्रिप्शन कंप्लीट होता है।